मॉम सेनेप, तुम फौरन घर आओ, इसी वक्त जल्दी आओ। मॉम मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मैं घर नहीं आ सकती। अरे अरे, तुम दोनों बहनें तो एक ही कंपनी में काम करती हो ना, वो घर आ गई तो तुम वहाँ क्या करोगी? मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, देखो देखो साथ में जे जे भी है। सनम ये तुम क्या कर रही हो? हेलो। अब ये कौन है, कितने अजीब से कपड़े पहन रखे हैं इसने। मेरे कपड़े भी क्या? मॉम लोग सुन रहे हैं, इसलिए जरा संभल कर बोलिए प्लीज। मेरे कॉस्ट्यूम में ऐसी क्या बात है, मैंने खुद बनाया है, बस यही कारण है, ऐसे है, मैंने इसी तरीके से बनाया है, ये मेरा स्टाइल है एक्चुअली। आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है बताइए ना। मेरे कपड़ों में क्या? और देखो यहाँ उस्मान भी है और रेहान भी है, सब लोग मेरी सासू माँ, कैसी हैं आप? आप बेफिक्र रहिए, मैं सलीम के साथ ही हूँ, हम दोनों मिलकर टेंट बना रहे हैं, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाँ सब वहाँ पर हो फिर भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है, समझी? नो प्रॉब्लम मॉम, सब ठीक है, देखो सब अंडर कंट्रोल है। हेलो कैसी हैं आप? मिस्टर चार, मैं अच्छी हूँ। माफ कीजिए, जब मैंने टेंट के बारे में सुना तो सोचा पता नहीं कौन सी जगह होगी, मुझे तो बस फिक्र हो रही थी। नहीं नहीं आप फिक्र ना करें। अच्छा ठीक है मॉम, चलो अब मैं रखती हूँ। हाँ अच्छा सुनो, तुम गरम कपड़े पहनना, ऐसे मत घूमना ठीक है? अरे मिस्टर चांद कितने अच्छे इंसान है, मेरी दुआ है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहे। मॉम अभी भी कनेक्टेड है, रेड बटन दबाओ। ये क्या कर रही है, काश उन्होंने सुना ना हो ये। मैंने ऐसा क्या कह दिया उन्हें भाई, मैं तो उन्हें दुआएं दे रही थी, मैंने क्या गलत कहा, कुछ गलत कहा? अरे मेव की बहन, मेरी मॉम, उनके जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, वो कितनी स्वीट और अच्छी लेडी है। वो जैसा बोले तुम्हें करना चाहिए। मैं हमेशा वैसा ही करती हूँ। रुकिए रुकिए, आप क्या कर रहे हैं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप ऐसे नहीं घुस सकते कहीं पर भी। अगर आपको कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे बोलना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जबरदस्त, जाओ ना यहाँ से। हाँ ठीक है, मैं पीछे जाकर खड़ा हूँ, कुछ चाहिए तो बोलना। मिस्टर जान, ये भी तुम्हें चाहता है क्या? ये तो मेरे लिए बचपन से ही एक परेशानी है। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ चाहिए? वाटर, पिलो, ब्लैंकेट और एनीथिंग यू नीड? नहीं थैंक्स। उधर देखा तुमने? मुझे लगता है कि हमें सब लोग देख रहे हैं, खासकर कि वो समंदर के किस्से के बाद। हाँ एक्चुअली मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, वॉक पे चले? हाँ चलते हैं। यहाँ कीड़े हैं, बचाओ, मुझे कीड़े काट रहे हैं, यहाँ बग्स हैं। क्यों चिल्ला रही हो? मिस्टर जान, क्या हुआ? मिस्टर जान मुझे बचाइए, ये पता नहीं इसे क्या क्या है ना। जाइए उसकी केयर कीजिए, गुड नाइट। वो कह रही है ठीक है जाओ, तुम लोग सो जाओ, हो सकता है यहाँ तो चलता रहेगा। ओके आराम से आए, दिखाओ मुझे तेरा ध्यान, वहाँ पर है। ओके रिलैक्स, कहाँ पर? कैसे मैं नहीं रह सकती हूँ, प्लीज देख के ना। डरन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो कीड़ा बहुत बड़ा था और खतरनाक भी दिखता था। मुझे और नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है मिस्टर जान, वो मुझे खा जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर वो होगा भी तो अब यहाँ से चला गया है, इट्स नॉट देयर। नहीं वो कहीं भाग गया होगा या फिर अंदर ही कहीं छिप कर बैठा होगा, मुझे वहाँ नहीं रहना है प्लीज। तुम कुछ ज्यादा नहीं डर रही, तुमने देखा ना यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कम ऑन रिलैक्स, चिल करो यार। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, इतनी खुजली क्यों हो रही है मुझे।
अयान, अब मैं खुद को रोक नहीं सकती, मेरे दिमाग में मिस्टर जान है। जानती हूँ सनम, तुम मिस्टर जान के प्यार में पागल हो गई हो। हो सकता है तुम्हारी मॉम हमें वीडियो कॉल में सोते हुए देखना चाहती है, मुझे मत देना प्लीज। मिस्टर जान का फोन है। हाँ क्या है काजल, क्या हुआ? क्या तुम्हें भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही क्या? मुझे भी नहीं आ रही। वो जरूरी नहीं है, मैं फोन पे बात कर रही हूँ, जाओ यहाँ से। देखो सारा दूर मत जाओ, उस कोने में जाके बात करो ना, जंगल के अंधेरे में खो जाओगी तुम, बहुत अंधेरा है, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? जबरदस्त, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है संभल कर रहना, जरा दूर मत जाना। हाँ ठीक है, जा जा। सनम, मिस्टर जान, मैंने सोचा कि शायद तुम सो ना रही हो तो मैं डिस्टर्ब ना करूं। नहीं, नींद नहीं आ रही थी। मुझे भी। मैं यहाँ बाहर हूँ, आप कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रहे। जहाँ हमने स्विमिंग की थी उसी किनारे पर हूँ, मैं आज रात यहीं पर रुकूंगा, तो मुझे लगा कि इट्स बेटर कि मैं यहाँ किनारे पर अकेले में ही वक्त गुजारूं। हाँ सच है। हाँ। मैंने बस तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कॉल किया था। ये पहली बार है कि हम फोन पर इतनी रोमांटिक बातें कर रहे हैं, और आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लग रही है, मतलब कुछ ज्यादा ही गहरी लग रही है, कुछ अलग ही लग रही है। क्या तुम ये सच कह रही हो? बहुत अच्छी लग रही है, आपकी आवाज अच्छी है। अच्छा मैं रखती हूँ, नहीं तो बिल्कुल बड़ी बातें करना शुरू कर दूंगी, ऐसा लग रहा है कि अब रखती हूँ। ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू। क्या कर रही थी? जबरदस्त। इस वक्त किससे बात कर रही थी? तुम सोते क्यों नहीं? तुम सोते क्यों नहीं? सो जाओ, जाके तुम भी सो जाओ। चुपचाप सो जाओ। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। अयान, गुड नाइट। अयान उठो ना। क्या है यार, क्या है ये, अब क्या हुआ? मैं जा रही हूँ। क्या बोल रही हो? मिस्टर जान के पास। तुम कहाँ जा रही हो सनम, वो भी इतनी रात में? देखो मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगी, तुम जाकर जबरदस्त को संभालो। देखो सनम, तुम्हें जो सही लगे वो करो, ठीक है? लेकिन हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। तुम जाकर जबरदस्त से कहो कि तुम्हें टॉयलेट जाना है, वो जरूर तुम्हारे साथ आएगा, और फिर मैं चुपके से चली जाऊंगी। ठीक है, मैं जाती हूँ जबरदस्त के पास। मैं यहीं रुकी हूँ, तुम मुझे ऐसे इशारा करना। हाँ, मुझे मेरे सॉक्स तो लेने दो। मुझो उठो। क्या बात है, सनम ठीक तो है ना? वो जंगल में गई थी, उसे कुछ हो तो नहीं गया? किसी ने किडनैप कर लिया, मुझे पता था ऐसे ही कुछ होने वाला है, मैंने कहा था उसे मत जाओ वहाँ पर। अब तुम क्या फालतू बकवास कर रहे हो मुझो, मुझे टॉयलेट जाना है। मुझो तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं अकेले नहीं जा सकती, प्लीज मुझे डर लगता है रात में। इतनी रात को? देखो तुम बच्ची नहीं हो, तुम रोक सकती हो ना, रोक लो रात भर। और अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम अकेले जाओ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत बहादुर लड़की हो, तुम कर सकती हो आयहान। अरे मैं कैसे रोक सकती हूँ मुझो, तुमको मेरे साथ चलना होगा। अब चले, सनम को कुछ हो गया, तुमने मुझे डराया। चलो आ जाओ, जल्दी चलो यार, जल्दी करो, थोड़ा जल्दी चलो। सनम, मिस्टर जान, मैं यहाँ सिर्फ 5 मिनट आपसे मिलने आई। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं आई, मैंने देखा। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज यहाँ से मत जाओ, प्लीज रुको ना, यहीं पर रुक कर थोड़ी बातें करते हैं, कम ऑन लेट्स टॉक।
पर तुम्हारा मन भी होना चाहिए। तो चलो लेट्स सिट, और बैठते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये पलट सकता है, हमें एक साथ बैठना होगा। ओके बैठो। प्लीज जानती हो मैं सिर्फ तुमसे डरता हूँ, आई मीन जिंदगी में सिर्फ तुमसे डरता हूँ और किसी से भी नहीं। आप मुझसे डरते हैं लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता, तुम हवा की तरह हो। मैं तुम्हें पता है मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता, तुम हमेशा बहती रहती हो, और जो कहना चाहता हूँ वो भी मैं तुमसे नहीं कह सकता क्योंकि डर लगता है तुम गलत ना समझ लो। मुझे ये डर लगता है कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास से चली जाओगी और कभी नहीं आओगी। मिस्टर जान उस दिन के लिए मैं माफी चाहती हूँ। छोड़ो ना, हमारी क्या बात हुई थी, हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, जाने देंगे, बहते जाएंगे हवा की तरह। ठीक है। कंफर्टेबल हो ना? अगर तुम लेटना चाहती हो तो लेट सकती हो, आ जाओ थोड़ी देर लेटते हैं। ठीक है, ट्राई करती हूँ। ट्राई करो, बस जंप करो, जंप। मैंने जंप मार ली। हाँ, देखा इस हैमक पे कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना, और कितना कंफर्टेबल भी है। हाँ। और इसे मैं अपने पैरों से झुला रहा हूँ। कितने सारे तारे हैं आसमान में, अगर हर रात ऐसे ही आपके साथ तारे। प्लीज रुको मत, बोलो क्या बोल रही थी तुम? क्या आपने कभी इन स्टार्स में से कोई स्टार अपने लिए चुना है? नहीं, मेरा तो कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ मैं समझ गया कि तुम्हारा कोई होगा जरूर। क्यों, एकदम सही गेस किया ना मैंने? हाँ, ओरियन। ओरियन, ये तो स्टार्स का कोई चमकता हुआ कॉन्स्टेलेशन। हाँ, ये तुम्हें सूट करता है। आपको कहानी पता है उसकी? नहीं, तुम सुनाओ ना। हाँ मैं बताती हूँ। एक खूबसूरत आर्टेमिस बहुत ही फेमस थी उसके आर्चरी टैलेंट के लिए। वाओ, एक वुमन आर्चर, आई लव इट। आर्टेमिस, वो ओरियन जैसे एक बहादुर हंटर और स्विमर से प्यार कर बैठती है, लेकिन ओरियन के भाई को उनकी करीबी पसंद नहीं आती, उससे ओरियन से जलन होने लगती है। उसने ओरियन के लिए अपने मन में नफरत पाली है, इसीलिए वो आर्टेमिस को फंसाने के लिए एक ट्रैप बनाता है। अच्छा, सच में? आगे? हाँ, चलो सुनाओ, कंटिन्यू। और उसके बाद वो आर्टेमिस को एक कंपटीशन के लिए फोर्स करता है। उसमें उसे समंदर के बीचों बीच एक पॉइंट दिया जाता है, जो कि बताया जाता है कि एक रॉक है, बल्कि वो रॉक नहीं होता, वो खुद ओरियन होता है। उसे आसमान की तरफ देखकर शूट करने को कहा जाता है, और आर्टेमिस अनजाने में ओरियन के दिल पर शूट कर देती है। ओरियन जख्मी होकर गिर जाता है, वो आर्टेमिस और अपने भाई को छोड़ देता है। एक और सैड लव स्टोरी सुनाई है तुमने मुझे। खैर, ओरियन कहाँ पे? क्या हम देख सकते हैं? इस वक्त मुझे देखेगा? मिस्टर जान, आपको पता है वो सबसे ब्राइटेस्ट है आसमान में। अच्छा? और वो किसी भी जगह से दिखता है। मैं चलती हूँ। बस 5 मिनट और, सिर्फ 5 मिनट। That's it. Please, 5 मिनट. Okay. 5 मिनट. Thank you.
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे साथ अकेले वक्त बिताने के लिए थैंक्स। अकेले? मिस्टर जॉन, अब सुबह हो चुकी है, कितनी जल्दी वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, जल्दी उठिए। अच्छा सनम, तुम चाय लोगी क्या? चाय? चाय यहाँ? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, पहले 5 मिनट बोलकर बहुत देर तक रुक गई हूँ मैं। चलिए सी यू मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन, सॉरी मिस्टर जॉन। अरे नहीं, इट्स ओके, तुम जाओ। सी यू। सी यू। सिर्फ ऑरेंज जूस नहीं, देखो और वो मैं लेकर आई। कैसा बना है यहाँ, तो सब कुछ है, मेरे भाई ने सब कुछ लाया है, खाओ बहुत। हाँ, मेरी मॉम भी काफी क्रीपी है, आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एनर्जी से भरी हूँ, तुम्हें भी खुश होना चाहिए। हाँ वो तो तुम हो, वैसे तुम्हारी एनर्जी को मैं गैलोपागोस से भी देख सकती हूँ। मैं जिंदगी को अलग तरीके से देख रही हूँ, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, देखना एक दिन मैं गैलोपागोस में ब्रेकफास्ट करूँगी। बहुत बिजी रहने वाले हैं, हमें प्रैक्टिकल, क्विक और पंक्चुअल होना पड़ेगा, हमें ये जॉब जितनी जल्दी हो सके उन्हें देना है। सब कुछ तो सही दिख रहा है, मुझे लगता है कि हम जल्दी डिलीवर कर सकते हैं, सब कुछ चेक करना पड़ेगा। जी, भूलना मत कि तुम्हें सारे इक्विपमेंट्स कल ही डिलीवर करने हैं, ठीक है? अच्छे से याद रखना और चेक कर लेना। ओके, इसे फिर से यहाँ पर कौन लेकर के आ गया, मुझे टेंशन कितना देती ही रहती है, और कोई काम धंधा नहीं है। इनको टेंशन देने के अलावा और कुछ और भी जरूरत है? आज एक डिलीवरी तो पुश हो ही जाएगी, तुम देखना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आइलिन, वेलकम। मैं सोच ही नहीं थी कि तुम कब ज्वाइन करोगी, थैंक गॉड तुम यहाँ आ गए। ओ, मैं भी बिल्कुल यही सोचती हूँ, और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया जारिन, आज मैं बहुत खुश हूँ, तो प्लीज मेरा मूड खराब मत करना, और मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, बस बैठूंगी और देखती रहूँगी। देखते हैं क्या होता है। गुड मॉर्निंग पुलन। गुड मॉर्निंग जान, कहाँ है? अभी तो यही थे, मैं देखती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद उसे ढूंढ लूंगी, रहने दो। वो देखो आ रहे हैं। वो रहा वहाँ पर, मैं जाती हूँ उसके पास, वो कल रात मिली नहीं ना मैं उससे, तो मैंने उसे बहुत मिस किया। चलो ठीक है, बाय। कोई बात नहीं। सनीम, तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मेरे लिए कॉफी जरूर लेकर आना। जरूर लाऊंगी। थैंक यू सो मच। जान, हे, कैसे हो? कल नींद आई तुम्हें? हाँ नींद तो काफी अच्छी आई, तुम्हें पता ही है मुझे ऐसी जगह काफी पसंद है, तो नींद अच्छी थी। अच्छा, वैसे यहाँ पर काफी गर्म है और ह्यूमिड भी है, तुम घर पर रुक सकती थी, स्विम कर सकती थी, यू नो।
नहीं, मैं शूटिंग शुरू होने से पहले तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं, लेट्स गो, चलो बात करते, चलो उधर चलते। आपने डेरिन को देखा क्या, मिस डेरिन? हाँ, वो उस तरफ गई है जान के साथ। वो दोनों एक दूसरे से सच में बहुत प्यार करते हैं। तुम उन्हें अकेला छोड़ दो ना। ओके, मैं उन्हें जाके देखती हूँ। अरे वो कुछ रोमांटिक बातें कर रहे होंगे, कॉफी की जरूरत नहीं होगी। फिर भी देनी है तो दे दो। ये लो, इसे देखो। जान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझे ये बताओ कि हमने कई साल एक साथ बिताए हैं, तो इनकी कोई इम्पोर्टेंस है? ऑफ कोर्स स्पेशल है। स्पेशल? मैं शॉक्ड हूँ जान कि सनिम तुम्हारे आसपास ही रहती है। और मैं ये भी जानती हूँ कि सनिम नेबरहुड में रहती है, क्यों सही कहा ना मैंने? तुम एक नेबरहुड की लड़की से मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो? तुम मानते हो ना इस बात को? प्लीज बताओ जान कि क्या वो सही लड़की है दोस्ती के लिए? हाँ बताओ मुझे। और जान बाकी चीजें तो रहने दो, तो वो एक दिन के लिए भी अच्छी नहीं है, समझ रहे हो? और आखिर में क्या होगा, हाँ उसका दिल भी टूट जाएगा, है ना? उसे दर्द होगा क्योंकि तुम उसके साथ जिंदगी भर नहीं रह सकते, समझ रहे हो तुम? तुम भी जानते हो ना कि उसका और तुम्हारा कोई मेल नहीं है, लेकिन तुम उसे किसी उम्मीद में रखोगे तो ये सही नहीं है ना? यार तुम भी, ठीक है मैं रुक जाती हूँ, लेकिन मुझे कुछ करना है, समझे तुम? हम कल तक साथ वक्त गुजारते हैं, उसके बाद तुम सोचना और मुझे बताना कि तुम्हें क्या करना है, सब बताना मुझे, ठीक है? ठीक है। देखो पॉलिन, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि हम इस चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं और ये आखिरी बार होगा। मुझे कुछ और नहीं कहना है, सब खत्म हो चुका है, इट्स ओवर। मुझे और कुछ नहीं कहना, सब कुछ एक अच्छे नोट पे खत्म करना बेटर है। और अनफॉर्चुनेटली तुम इसे एंड्योर नहीं कर सकती, तो तुम जा सकती हो। मिस्टर जॉन, शूटिंग के लिए सब रेडी हैं, आप आ जाइए। आई एम कमिंग। ठीक है तुम जाओ। बाय। ओ बाय। सनिम, क्या कर रही हो, क्या हुआ? जंग, बहुत बड़ी जंग होने वाली है। बड़ी जंग होने वाली है, क्या कह रहे हो तुम? जंग पोलन और सनम के बीच होने वाली है। सनिम मत करो ऐसा। हाँ तुम ये सब करने का क्यों सोच रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारा नहीं होने वाला। मुझे पता है, मुझे पता है वो मेरा नहीं हो सकता, पर अगर मेरा नहीं होगा तो मैं पोलन का भी होने नहीं दूंगी। देखती हूँ वो क्या क्या करेगी, समझ गए तुम? उस्मान, हम तुम्हारा शॉट फिर से लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। भाई हम इस सनिम का क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं, वो वही करेगी जो उसे करना है, समझ गई? आज रात तो मैं लैला से बात करके रहूंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। सुनो भाई, पता नहीं अब क्या हुआ। देखो बहुत फास्ट मत एंट्री लेना, और अपने कॉस्ट्यूम को फील करो जैसे तुम हवाना की लड़की हो। चाल में एलिगेंस होनी चाहिए, आराम से चलो, तेज से नहीं, यू नो, स्माइल करो, खुश रहो एंड फील द ब्रीज, यू नो, जैसे तुम समंदर के किनारे हो और तुम वॉक कर रही हो, और ऐसा फील करो जैसे यू ओन द वर्ल्ड। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ उस्मान, तुम परफेक्ट हो जैसे हो वैसे ही रहना। ओके मिस्टर रिविल, क्या है ये परफेक्ट परफेक्ट? वो कोई एक्टर नहीं, वो बुचर है, उससे अच्छी एक्टिंग मैं कर सकता हूँ। एक बार मुझे लेके तो देखिए, छप्पर फाड़ दूंगा मैं, जब देखो सब उसी की तारीफ किए जा रहे। अरे एक बार मुझे मौका तो दो। ओके गाइस, सब चेक कर लो एक बार और फिर हम शुरू करते हैं। वो कुछ भी तो नहीं,
बस ऐसे ही। वो क्या कर रही है, जरा कुछ सनम को देखो तो। मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़की पागल हो गई है। वो हमेशा से ऐसी ही है, उसे यही सूट करता है, समझे तुम। रोल कैमरा एक्शन। मिस्टर जाम। हाँ। ओके, कट करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। तुम्हारा नोज काफी शाइन कर रहा है, गोली डैप कर लो। मैं आपके लिए पानी लाऊं? तुम ला के दोगी तो पी लूंगा। मैं पानी लाती हूँ जान। नहीं नहीं, ये सही नहीं है, वो डायरेक्टर के पास नहीं बैठ सकती, ऐसे ऐसे तो गलत होगा। Are we ready? मैं जाकर उससे बात करता हूँ। सही कह रहे हो। ओके, अगर सब रेडी है तो शुरू करते हैं। उस्मान थोड़ा ऊंचा पकड़ना। सनम तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, तुम डायरेक्टर के पास नहीं बैठ सकती, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो, खड़ी। जी यहीं रुकना है, मुझे कुछ काम है, जाओ यहाँ से। अरे उस्मान ये क्या कर रहे हो तुम? मॉडल को थोड़ा ऊपर पकड़ो यार, कितनी बार समझाएंगे तुम्हें? वो जब देखो तुम ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, थोड़ा ऊपर करो यार। जबरदस्त पकड़ो, कुछ एक्सप्रेशन नहीं, कुछ नहीं, मुस्कुरा रहे हो बस। अरे मेरी बात तो सुनिए। लेके जा रहे हैं वापस, चलो तुम चलो यहाँ बैठो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गाइस, ब्रीफ में कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वैसा ही रहेगा। लेबल नहीं लिखेगा ना, लेबल नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने उसे बोला ऊपर पकड़ना चाहिए उसे। क्या कर रहे हो, चुप रहो। बस करो, फिर से टेक लेना पड़ेगा। इससे कुछ नहीं हो सकता, मैंने कहा था पहले। अरे सच्चा मैं कर सकता हूँ, पूरा कॉस्ट करना कर दिया। कब से ऐसे कर रहे हैं? अरे मुझे एक मौका तो देके देखिए, मैं अच्छा करूंगा, सच कह रहा हूँ मैं। बस सिर्फ एक मौका दीजिए, देखना मैं आपको खुश कर दूंगा, जैसा आप चाहते हैं वैसे करूंगा। मेरे दोस्त, अपने आप को संभालो, जरा जाओ उसके पास, देखो कहीं चोट नहीं लगे। आई होप वो लड़का सही सलामत है। ठीक है, मैं शर्मिंदा कर दिया इसने। कितनी शर्म की बात नहीं है, तो अपनी माँ पर ही गया ना, आखिर तो करेगा ये सब। हमें साथ में रहना चाहिए, पर इतना भी नहीं। मैं फिजिकली क्लोज रहने की बात नहीं कर रहा था। मैं क्या कर सकती हूँ, हम इतने क्लोज हैं। हाँ अच्छा है मेरे लिए, अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है।